नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ का प्रैक्टिस सेट 39। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़ इन द रेशियो 4:5 एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वॉट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट। देखिए रमेश और सुरेश दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया, 1,44,000 का, और फिर उस प्लॉट को उन्होंने कुछ साल बीतने के बाद बेच दिया, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो हमें ये बताना है कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,44,000 इंटू 20%। देखिए यहाँ पे 20% हमने क्यों लिखा, क्योंकि उनको प्रॉफिट कितने का हुआ था, 20% का हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे 20% लिखा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,44,000 इंटू 20/100। अब देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 14,400 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 0 2 0 0 0, फिर यहाँ पे 2 4 8 2 4 8 और 2 1 2, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 28,800। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 28,800। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ, हमें ये बताना है। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है वो देखिए यहाँ पे दिया है, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या दिया है, 4:5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रॉफिट ऑफ सुरेश एंड रमेश बी क्या हो जाएगा, देखिए 4x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर 4x प्लस 5x दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 28,800। फिर 4 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9x 28,800। अब देखिए 9 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 9। देखिए 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, चलिए हम इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 28,800 डिवाइडेड बाय 9, तो देखिए यहाँ पे 9 3 27 माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पे 0, फिर 8 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 18, 9 2 18 माइनस करने पे कुछ नहीं, फिर ये 2 0 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका आंसर कितना आया, 3,200। तो अब हम दोनों का प्रॉफिट बता सकते हैं कि कितना कितना हुआ, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हमने कंसिडर किया था, 4x, इट मीन्स 4 × 3,200। तो कितना आ जाएगा, 4 0 0 4 0 0 4 2 8 4 3 12, कितना आ जाएगा, रुपीज़ 12,800। तो हम लोग यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा देंगे। फिर रमेश का भी ऐसे ही निकालेंगे, रमेश प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया था हमने, 5x, मतलब 5 × 3,200 इज इक्वल टू 5 0 0 5 0 0 5 2 10, फिर 5 3 15 1 16, कितना आ गया, रुपीज़ 16,000। मतलब सुरेश का प्रॉफिट 12,800 और रमेश का प्रॉफिट 16,000।
1000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का आंसर। देखिए अब ये देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब विराट और सम्राट दोनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया, देखिए विराट ने इन्वेस्ट किया 50,000 और सम्राट ने कितना 1,20,000। फिर दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20% और उनको लॉस कितने का हुआ 20% का। तो हमें ये बताना है हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, मतलब दोनों को कितना कितना लॉस हुआ। देखिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 1,20,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,70,000। ये क्या हो गया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग टोटल लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,70,000 इंटू 20%, मतलब 1,70,000 इंटू 20/100। देखिए 0 0 कैंसिल और फिर यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 2 सा क्या हो जाएगा 34 और यहाँ पे कितना 0 है 30, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो कितना आ गया 34,000। ये क्या हो गया टोटल लॉस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए हमें ये टोटल लॉस मिला है लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का लॉस बताना है कि दोनों को कितना कितना लॉस हुआ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फाइंड द प्रोपोर्शन, इज इक्वल टू देखिए इन्वेस्टमेंट कितना का था, एक का 50,000 का इज टू 1,20,000। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। इसका देखिए प्रोपोर्शन क्या आ गया 5:12 आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट विराट्स लॉस बी क्या हो जाएगा 5x एंड सम्राट लॉस बी 12x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 12x इज इक्वल टू कितना 34,000। फिर यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 34,000। 17 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 34,000 अपॉन क्या हो जाएगा 17। अब देखिए 17 1 17 17 2 34 और ये जो 30 बचा है यहाँ पे हम लिख लेंगे, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 2000 आ गया। तो अब हम विराट का और सम्राट दोनों का लॉस बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे देयर फॉर विराट्स लॉस इज इक्वल टू देखिए 5x इट मीन्स 5 × 2000 क्योंकि x का वैल्यू क्या आया है 2000। तो 5 2 सा क्या होता है 10 और फिर ये 30 मतलब विराट का लॉस कितना है रुपीज़ 10,000 का एंड सम्राट का लॉस ट्वेल्व एक्स है मतलब 12 × 2000 ट्वेल्व टू सा कितना होता है 24। तो ये आ गया 24,000 मतलब विराट का लॉस कितना है रुपीज़ 10,000 का और सम्राट का कितना है रुपीज़ 24,000 का। तो इस तरह से देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, श्वेता पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज़ एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग सीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज रुपीज़ 30,000 एंड पीयूष 12,000। देखिए श्वेता पीयूष और नचिकेत तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया 80,000 रुपीज़, जिसमें से श्वेता का कितना था 30,000 और पीयूष का 12,000। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%, मतलब एंड ऑफ द ईयर उन्होंने कितना प्रॉफिट मेड किया 24% का। तो हमें क्या बताना है
व्हाट वॉज नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वॉज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए नचिकेत का इन्वेस्टमेंट बताना है और उसका प्रॉफिट बताना है। देखिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, श्वेता प्लस पीयूष प्लस नचिकेत, मतलब तीनों का इन्वेस्टमेंट कितने का है 80,000 रुपीज़ का, जिसमें से श्वेता का कितना है 30,000, पीयूष का है 12,000 और नचिकेत का हमें नहीं पता। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 42,000 प्लस नचिकेत इज इक्वल टू 80,000। अब 42,000 को उधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे नचिकेत इज इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000, तो 0, 0, 0, 10 माइनस 2, 8, 7 माइनस 4, 3, तो कितना आ गया नचिकेत का इन्वेस्टमेंट 38,000 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत इज इक्वल टू रुपीज 38,000। ये तो हो गया नचिकेत का इन्वेस्टमेंट, लेकिन नचिकेत का हमें प्रॉफिट भी बताना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा पहले रेशियो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, पहले श्वेता का कितना 30,000 उसने इन्वेस्ट किया, पीयूष ने 12,000 और नचिकेत ने 38,000। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो रेशियो क्या आ गया 15:6:19। तो यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ फाइंड द टोटल प्रॉफिट। इज इक्वल टू, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना था 80,000 का, तो हम लोग 80,000 का यहाँ पे 24% फाइंड आउट करेंगे, तो 80,000 इंटू 24/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800 × 24, तो 0 0, फिर 8 4 ज़ा 32, कैरी आ जाएगा 3, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 19, तो कितना आ गया टोटल प्रॉफिट 19,200। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 19,200। ये क्या है टोटल प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है नचिकेत का प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ श्वेता पीयूष एंड नचिकेत बी, देखिए तीनों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, श्वेता का हो जाएगा 15x, फिर पीयूष का 6x एंड 19x रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर 15x प्लस 6x प्लस 19x इज इक्वल टू 19,200, मतलब तीनों का प्रॉफिट मिला के ही होगा ना टोटल प्रॉफिट। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 19,200, तो x इज इक्वल टू 19,200 अपॉन में क्या आ जाएगा
40, क्योंकि 40 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब देखिए, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 16, फिर इसमें से 3 बचेगा, 4 8 32 और 1 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 480। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया है, 480। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर नचिकेत्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए नचिकेत का प्रॉफिट हमने कितना कंसिडर किया था, 19x, तो यहाँ पे हो जाएगा 19x, इट मीन्स 19 इंटू क्या हो जाएगा, 480। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है ₹9,120। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नचिकेत का प्रॉफिट, और जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया वो क्या था, इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत इज ₹38,000 एंड प्रॉफिट इज ₹9,120। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का पूरा आंसर। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या दिया है, ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500 इन द प्रोपोर्शन 3:7। ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड, व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी दोनों ने कितना प्रॉफिट शेयर किया, 24,500 रुपीज़, वो भी किस रेशियो में, 3:7 रेशियो में, और जिसमें से उन्होंने क्या किया, 2% अपने प्रॉफिट का सोल्जर्स वेलफेयर फंड में डोनेट कर दिया, मतलब उनको दे दिया। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने कितना कितना अमाउंट सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कितना है वो हम लिखते हैं, पहले प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या है, 3:7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी बी क्या हो जाएगा, 3x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे लिख देंगे मतलब दोनों का प्रॉफिट मिला के हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, तो 3x + 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,500। तो 7 + 3 10x इज इक्वल टू 24,500। अब डिवाइड कर देंगे 24,500 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, बचा क्या, 2,450। ये क्या हो गया हमारा x का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ देयर फॉर प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हमने कंसिडर किया था, 3x, इट मीन्स 3 × 2,450। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 3 5 15 कैरी आ जाएगा, 1 3 4 12 1 13, 3 2 6 1 7, तो कितना आया, ₹7,350। तो ये क्या है, ए का प्रॉफिट है जिसमें से उसने 2% सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दे दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय ए, अमाउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू 7,350 का कितना परसेंट, 2%, तो यहाँ पे हो जाएगा ×2/100। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 2 2 5 10,
तो 735 इंटू 1 करेंगे तो 735 अपॉन में 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 वन ज़ा 5 इसमें से बचेगा 2, तो कितना होगा 5 4 ज़ा 20, फिर 3 बचेगा तो 5 7 ज़ा 35, मतलब कितना आया 147 रुपीज़। तो ए ने कितना दिया 147 रुपीज़ दिया। अब हम बी का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हमने कंसिडर किया था 7x, इट मीन्स 7 × 2450 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 7 0 0 7 5 35 कैरी आ जाएगा 3 7 4 28 28 + 3 कितना हो जाएगा 28 29 30 31 का 3 कैरी आ जाएगा 1 7 2 14 14 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 17,150। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय बी इज इक्वल टू, देखिए 17,150 का 2%, तो 17,150 × 2/100। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 17 और यहाँ पे 15, मतलब 1715/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ा 15 इसमें से 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20 इसमें से 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15 मतलब इसका आंसर क्या आया ₹343। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे द अमाउंट गिवन बाय A and B to the soldiers' welfare fund are ₹147 and ₹343 respectively। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए हमारा, ये देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है। जया, सीमा, निखिल एंड निलेश पुट इन ऑल टुगेदर 360,000 रुपीज़ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। देखिए जया, सीमा, निखिल और निलेश तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया 360,000 रुपीज़, कौन से प्रोपोर्शन में 3:4:7:6। तो हमें क्या बताना है कि जया का एक्चुअल शेयर उस कैपिटल में कितना था, और अगर उन्होंने प्रॉफिट 12% का मैड किया तो निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या दिया है 3:4:7:6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश बी 3x, 4x, 7x, and 6x respectively। ये हो जाएगा चारों का इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम ये सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे 3x + 4x + 7x + 6x इज इक्वल टू 3,60,000। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + 4 = 7 7 + 7 = 14 14 + 6 = 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20x = 3,60,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा x = 3,60,000 अपॉन में क्या आ जाएगा
20, क्योंकि 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। देखिए 0 0 कैंसिल और फिर 2 1 2 2 1 2 2 8 16 और फिर 3 0 तो कितना आया 18,000। मतलब x का वैल्यू कितना आया है 18,000 आया है। तो हम लोग जया का इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर जयाज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, देखिए जया का इन्वेस्टमेंट हमने कितना कंसिडर किया है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 × 18,000। तो 18 3 क्या होता है 54। तो जया का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा ₹54,000। और फिर उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया 12% का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन कितना है 12% का। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, देखिए 3,60,000 इंटू 12%, तो 3,60,000 इंटू 12/100 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 43,200 रुपीज़। ये क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि निखिल का प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ जया सीमा निखिल एंड नीलेश बी 3x 4x 7x and 6x respectively। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 4x + 7x + 6x इज इक्वल टू 43,200। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 20x इज इक्वल टू 43,200। तो x इज इक्वल टू 43,200 अपॉन में क्या आ जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 2, फिर देखिए यहाँ पे 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 2160। तो ये क्या है x का वैल्यू है। तो इसके हेल्प से हम लोग निखिल का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए निखिल का प्रॉफिट हमने कितना कंसिडर किया है 7x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x इज इक्वल टू 7 × x का वैल्यू 2160। अब हम क्या करेंगे 7 को 2160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 0 0 फिर 7 6 होता है हमारा 42, कैरी आ जाएगा 4 7 7 7 + 4 इज इक्वल टू 11 11 का 1, कैरी आ जाएगा 1 7 2 14 14 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। मतलब निखिल का प्रॉफिट कितना आ गया 15,120 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ जया इज ₹54,000 एंड प्रॉफिट ऑफ निखिल is ₹15,120। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 39
कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।